ये आतंकी चाहे कितनी भी गीदड़ की मौत मरे हैं, लेकिन ये फिर भी अपने नापाक मंसूबों से बाज नहीं आते हैं। ये हमेशा हमारे देश और यहाँ के लोगों को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं और तरह तरह के हथकंडों को अपनाते हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं और आतंकियों को उनके गलत मंसूबों में कामयाब होने से पहले ही धराशाही कर देते हैं। और अभी हाल ही में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवान और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि पोशीगिरी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया गया। उनके अनुसार तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिस पर उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें दो आतंकी ढेर हुए हैं। एडीजीपी कश्मीर ने बताया, मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट उर्फ कोकुब दुरी और बशारत नवी के रूप में हुई है। दोनों प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। दोनों 9 अप्रैल 2021 को एक टीए कर्मी सलीम की हत्या और 29 मई 2021 को जबलीपुरा में दो नागरिकों की हत्या में शामिल थे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।